कौन से अतरंगी कैरेक्टर चूज किए गए हैं और क्या होगी इस अतरंगी मूवी की अनोखी कास्ट, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी दोस्त मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले हैं 2021 की अपकमिंग मूवी अतरंगी रे के बारे में। अतरंगी रे नाम ही अपनी मूवी को खुद डिस्क्राइब करता है। इस मूवी में बहुत से अतरंगी लव ट्रायंगल शो होने वाले हैं। मूवी में काफ़ी सारे ट्विस्ट प्लॉट्स रखे गए हैं ताकि दर्शकों का मन मूवी की तरफ लगा रहे। अब अगर बात करें अतरंगी रे की कास्ट के बारे में तो अतरंगी रे 2021 की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसमें तीन मेन लीड कैरेक्टर होंगे। इसमें पहले लीड कैरेक्टर अक्षय कुमार है जिन्होंने 1987 में बॉलीवुड में अपना डेब्यू आज की साथ मूवी से किया था और उसके बाद इस मूवी से उनको उतना दिग्गज नाम वह जज्बा नहीं मिला। लेकिन उसके बाद 1991 में सौगंध एज लीड एक्टर इनकी पहली मूवी थी और उस मूवी के बाद से इनके करियर ने अप डाउन जाना शुरू किया। हालांकि अक्षय कुमार ने अपने करियर में काफ़ी हिट और फ्लॉप देखे हुए हैं लेकिन पिछले तीन डेकेड्स में उनने जैसा नाम कमाया है बॉलीवुड में वैसा नाम किसी को नहीं मिला। अब अगर बात करें कास्ट के दूसरे पैट के बारे में तो दूसरे कास्ट हम लोगों की होने वाली है सारा अली खान। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने हाल ही 2018 में सुशांत सिंह राजपूत के साथ केदारनाथ मूवी में अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड पे और उसके बाद से उन्होंने सिम्बा, लव आजकल और कूली नंबर वन जैसी काफ़ी मूवीज कर चुकी हैं और हर मूवी में अपने अदाकारा और अपनी खूबसूरती से लोगों के दिल में जगह बनाने में वो कामयाब रही। अब बात करें हमारे तीसरे कास्ट की तो साउथ के एक्टर धनुष, जो कि ज़्यादातर साउथ इंडस्ट्री में ही रहते हैं, वो होने वाले हैं इसके तीसरे पार्ट। उन्होंने 2015 में रंगना मूवी से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और उसके बाद से बॉलीवुड में उनका काफ़ी नाम रहा है। लोगों को उस मूवी में कुंदन नाम का कैरेक्टर हद से ज़्यादा पसंद आया और उनकी और सोनम कपूर की जोड़ी को बहुत प्यार मिला। उसके बाद उन्होंने शंभीवत जैसी एक और मूवी की है और अब ये अतरंगी रे से उनकी तीसरी मूवी की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। अब अगर बात करें मूवी में इन तीनों के कैरेक्टर की तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार अक्षय कुमार शौकत अली नाम के एक कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। वहीं साउथ इंडस्ट्री के हीरो धनुष आपको मनीष नाम के रोल निभाते नजर आएंगे। उसके अलावा सारा अली खान इस बार यानी कि बॉलीवुड में पहली बार डबल रोल करने वाली हैं जिसमें उनके दो नाम होंगे, पहला सोनाली और दूसरा रानी, जो कि एक लड़की होगी जो पंजाब से बिलोंग करेगी। अब सारा अली खान के इन दो कैरेक्टर से चारों ओर कैसे घुमाते हैं इस मूवी की स्टोरी को ये देखने की बात होगी। हालांकि अगर बताया जाए तो अक्षय कुमार की अपकमिंग काफ़ी मूवीज पेंडिंग पड़ी हुई हैं और ये मूवी की शूट स्टार्ट हो चुकी है और अपने मिड चरण में है। इसके अलावा इन तीनों को एक साथ देखना फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और वो भी तब जब तीनों के तीनों अपने अपने कैरेक्टर को बहुत परफेक्शन से निभा सकेंगे। अब देखना होगा कि उनकी ये मूवी कितनी सफल रहती है और लोगों को ये नया सिगड़ी का जोर कितना पसंद आता है। खैर, इस मूवी को देखने के लिए आपकी तरह हम भी बहुत एक्साइटेड हैं लेकिन शायद अब इस मूवी की रिलीज में कुछ समय बाकी है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ में इसी से जुड़ी एक एक खबर जानने के लिए और एंटरटेनमेंट की जुड़िया से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।